हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जीडीएस की नई भर्ती का जो है नोटिफिकेशन हो जारी हो चुका है, जिसमें टोटल 35,000 वैकेंसी दी गई हैं। 35,000 नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। मैं आपको विद प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। नोटिफिकेशन है जो मेरे पास है, मैं आपको दिखा देता हूँ। 15 जुलाई से आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, तो कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। किस स्टेट की कितनी वैकेंसी रहेगी, कम्प्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। और सबसे पहले मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ, 15 जुलाई से आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। जिसने भी 10वीं क्लास पास कर ली है, सभी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 35,000 प्लस आपकी वैकेंसी और रखी गई हैं। वीडियो सिर्फ आपको अंत तक ज़रूर देखनी है। कम्प्लीट मैं आपको इसमें जो है सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताऊँगा, कैसे आपका इसमें सिलेक्शन होगा। 15 जुलाई से मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, 15 जुलाई से ऑनलाइन फॉर्म शुरू होने वाले हैं। इसके नोटिफिकेशन मेरे पास है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, जो नोटिफिकेशन हो मैंने डाउनलोड कर रखा है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये दो नोटिफिकेशन हो मैंने डाउनलोड कर रखे हैं। तो पहले मैं आपको कुछ इसमें बेसिक जानकारी दे दूँ, जैसे कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन आपकी होती है और कितनी आपको सैलरी मिलती है। देखिए, इसमें दो तरह की आपकी वैकेंसी होती है, जैसे कि BPM की वैकेंसी है और ABPM डाक सेवक की वैकेंसी होती है। अगर आप ABPM में जो सिलेक्ट होते हो तो सैलरी आपको 12,000 से 29,380 तक मिलेगी। उसके बाद अगर आप ABPM में सिलेक्ट होते हो तो 10,000 से 24,470 तक आपको इसमें सैलरी हो दी जाएगी आपको। ये आपका सैलरी का जो इसमें प्रोसेस रहने वाला है, इतनी आपको इसमें सैलरी हो दी जाएगी। जैसे कि BPM की जो है ब्रांच पोस्टमास्टर की पोस्ट है, उसके बाद अगली जो पोस्ट है ये आपकी ABPM की है, इसमें असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर की पोस्ट है, ये अलग अलग हैं दो तरह की, और डाक सेवक की है आपकी। एज की बात करें तो एज आपकी जो है 18 से 40 साल एज है। और मैं आपको बता दूं, मैंने आपके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, वहाँ पर आपको हर गवर्नमेंट जॉब की जानकारी की अपडेट दी जाती है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। उसके बाद आगे बात करें, 18 से 40 साल एज है, SC ST को 5 साल और OBC को एक्स्ट्रा इसमें छूट हो दी जाएगी। उसके बाद आगे बात करें तो इसमें जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जिसने भी 10th क्लास पास कर ली है सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जिसने भी 10th क्लास पास कर ली है सभी कैंडिडेट जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जहाँ पर भी आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, जिस भी स्टेट में अप्लाई करेंगे, वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपकी सब्जेक्ट होना चाहिए, लोकल लैंग्वेज का आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आप जैसे कि MP से अप्लाई करेंगे तो वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज सब्जेक्ट है, मतलब कि हिंदी आपको आनी चाहिए, ऐसे आपको वहाँ की लैंग्वेज जो है आपको आनी चाहिए। उसके बाद कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, ये आपको जो है ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद आगे बात करें तो जो इसमें अपडेट है वो बता देता हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस जो आपकी, इसमें मेरिट लिस्ट लगेगी, जो भी 10th क्लास के नंबर होंगे आपके, उसी के बेस पर आपकी जो इसमें फाइनल मेरिट लिस्ट लगने वाली है। 10th क्लास में जितने भी परसेंटेज होगी उसी के बेस पर आपकी फाइनल सिलेक्शन जो लिस्ट है वो लगने वाली है। जैसे कि इसकी जो लास्ट ईयर वैकेंसी आई थी, उस पर जो है मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, क्या उसकी जो है मेरिट लिस्ट रही थी, आप कमेंट कर देना। मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जो है ज़रूर लेके आऊँगा कि क्या इसकी जो है कट ऑफ रहती है, ऐसे आपके नंबर होंगे। उसके बाद आगे बात करें तो इसमें जो है और कोई अपडेट नहीं है, मतलब कि इसका रिजल्ट 10 से 15 दिन के बाद आपका रिजल्ट और डिक्लेयर हो जाता है, जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन का जो लिंक है वो एक्टिवेट होने के बाद बंद हो जाएगा, उसके 10 से 12 दिन के बाद आपका रिजल्ट और डिक्लेयर हो जाएगा। अब मैं आपको जो है इसका नोटिफिकेशन भी दिखा देता हूँ। जो नोटिफिकेशन आ चुका है कि 15 जुलाई से आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, इसमें कोई भी आपको जो है फॉर्म में मिस्टेक हो जाती है, गलती हो जाती है, तो उसमें करेक्शन का भी ऑप्शन आपको दिया जाएगा। उसके बाद और कोई अपडेट है इसमें जो बात कर लेते हैं, जो इसमें और अपडेट है आपके लिए, तो मैंने आपको बता दिया कि 10th क्लास के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। इसमें 10th क्लास में अगर आपके 85 से ऊपर नंबर हैं तो आपका इसमें सिलेक्शन हो सकता है, चांस है वो भी 80% ही चांस है कि। उसके बाद आगे बात करें तो इसका जो है नोटिफिकेशन, यहाँ पर देखिए ये नोटिफिकेशन है, 25 जून 2024 का नोटिफिकेशन है, GDS सिलेक्शन की और चाहिए। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए जुलाई में आपके जो है जुलाई सेशन का शेड्यूल है, जुलाई का वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जुलाई का शेड्यूल 2024 का शेड्यूल है। तो यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखिए एक मतलब कि इशू ऑफ ऑनलाइन नोटिफिकेशन, जो ऑनलाइन नोटिफिकेशन है वो आपका जो है यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, 2nd वीक में आएगा। तो 15 जुलाई को आपका नोटिफिकेशन आने वाला है, 15 जुलाई से आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। वैकेंसी जो आपकी 35,000 के आसपास आपकी वैकेंसी रहने वाली है, ये बिल्कुल जो है जेन्युइन नोटिफिकेशन है,
15 जुलाई से आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। इसमें जो है और भी अपडेट दी गई है, जैसे कि एक जो आपका नोटिफिकेशन है वो साइकिल यहाँ पर बताई गई, जैसे कि मई में आपकी जो है आए थे 2023 में, उसके बाद जुलाई में भी आई थी आपकी वैकेंसी, और अब जो आपकी वैकेंसी दोबारा से जुलाई में आपकी वैकेंसी आने वाली है। तो आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, यह आपके लिए अपडेट थी। सबसे पहले मैंने आपको अपडेट दी है, ये नोटिफिकेशन मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दिया है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। 15 जुलाई से आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में।